ठीक है बेटा, अब हमें पढ़ना है आयनिक बॉन्ड। बेटा आयनिक बॉन्ड क्या होता है? जब बेटा वही NaCl, जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से आयन फॉर्म होते हैं, जुड़ते हैं, तो जो बंधन बनता है, जो जोड़ बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। बस इतनी सी बात है ना। जब सोडियम जुड़ता है तो सोडियम क्या करता है भाई, 2, 8, 1, एक इसके अंदर एक्स्ट्रा दे देता है, क्लोरीन को एक चाहिए वो ले लेता है, एक लेके क्लोरीन नेगेटिव हो गया और एक देके सोडियम पॉजिटिव हो गया। अच्छा बेटा अगली चीज समझो, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब है आयंस बनाने के लिए, मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकला इस सोडियम का, या इलेक्ट्रॉन निकला या इस क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को ले लिया, बेटा इसके अंदर भी हमें कुछ एनर्जी लगती है। क्या लगती है? एनर्जी लगती है, ठीक है। तो जो एनर्जी लगती है एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, किसमें रिमूव करने में, इलेक्ट्रॉन को निकालने में, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी का मतलब ही क्या होता है? एनर्जी। क्या होती है? एनर्जी। और आयन बनाने के लिए, कैसा, कैटायन बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ताकत लगे, जो शक्ति लगे, वो क्या है? आयनाइजेशन एंथैल्पी है, ठीक। अच्छा अगली चीज देखो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन लेने में जो पावर लगे, क्या, इलेक्ट्रॉन लेने में जो एनर्जी लगे, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तो सभी घूम रहे हैं, तुम देख रहे हो, सबको क्या चाहिए? किसी को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देने वाले बहुत कम है, लेने वाले बहुत ज्यादा है। तो ये वाली एनर्जी क्या होगी? ज्यादातर मोस्टली एलिमेंट्स के लिए ये क्या होती है बेटा? नेगेटिव होती है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट के लिए ये एनर्जी कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव। मतलब नेगेटिव से क्या मतलब हुआ? कि भैया एनर्जी लगानी नहीं पड़ती हमें, तो लोग तो लेने के लिए घूम रहे हैं, शक्ति लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती बेटा, हमें तो उसे ढूंढने में ताकत लगानी पड़ती है जो इलेक्ट्रॉन देने से, लेने से मना कर दे। और ऐसे सिर्फ ऐसी जो चीजें हैं वो होती है नोबल गैस। क्या होती है बेटा? नोबल गैस। नोबल गैस के बारे में सुने बेटा? नोबल गैस वो गैसेज होती हैं, वो एलिमेंट्स हैं जो क्या स्टेबल होते हैं, जिनकी शेल क्या होती है? फुल फिल होती है। उनके ऑक्टेट क्या होते हैं? ऑक्टेट फुल है उनके भैया, ना उनको देना और ना उनको लेना। अगर अब उनको तुम्हें लेने पे मजबूर करना पड़े, तो उनसे बोलो नहीं भाई तुझे वो इलेक्ट्रॉन लेना ही पड़ेगा, वो बोलेगा यार, वो कहेगा भाई मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मुझे क्यों दे रहे हो इलेक्ट्रॉन, वो कहेगा नहीं तुझे लेनी पड़ेगी। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? उसके साथ जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मतलब एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसके सिर्फ एक यही एलिमेंट्स ऐसे हैं बेटा नोबल गैस, जिनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है? पॉजिटिव है, बाकी सबकी नेगेटिव है। जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, जरूरत ही नहीं पड़ती। एक और चीज समझो बेटा, एनर्जी जब निकले, जब एनर्जी निकले किसी रिएक्शन को करो और एनर्जी निकले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कभी एनर्जी देनी पड़ती है रिएक्शन कराने के लिए, एनर्जी देनी। अब तुम घर में चाय बनाते हो, बिना गैस जलाए चाय बना सकते हो? नहीं। तो वो कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक की एक्सोथर्मिक? एंडोथर्मिक है बेटा, बिना एनर्जी दिए चाय नहीं बना सकते, एनर्जी देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, समझ गए? तो बेटा एक चीज समझो, मैं क्लोरीन घूम रहा है मेरे सामने, क्या है? क्लोरीन है। अब एक बात बताओ, इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, कितने चाहिए इलेक्ट्रॉन इसे? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई क्लोरीन को? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए इसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी मुझे? नहीं। ये तो घूम रहा है भाई, दे दे, तू मुझसे बदले में एनर्जी ले ले। क्या मुझसे बदले में तू एनर्जी ले ले, तू मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा काम हो जाएगा, है ना? लेकिन तो ये क्या करेगा, ये एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? ये बेटा इलेक्ट्रॉन लेगा और खुशी में एनर्जी निकालेगा, लेनी पड़ेगी, इसको लेने की जरूरत नहीं है एनर्जी, इसे तो बस इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये एक्सोथर्मिक है, इसीलिए तो ये नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी देनी नहीं पड़ती इसलिए तो नेगेटिव हो गई। लेकिन बेटा वो जिनको ये एनर्जी देनी पड़े, एनर्जी देनी पड़े, कौन? नोबल गैस, उन्हें देनी पड़ेगी, उन्हें लेनी नहीं है, उनको जबरदस्ती कर रहे हैं हम, तो उनकी उनकी बेटा गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगी और ये क्या होगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है। बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, चलो इतनी बात समझ में आ गई तो ओके। बस मैंने बेटा ये चीजें लिख दी हैं, थोड़ी सी और बड़ी करके ठीक से लिख दी है ना, कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। पर वही वही एग्जांपल जो मैं समझा रहा हूँ ना, कि क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उसको क्या करेगा? वो तो उल्टी एनर्जी वापस निकाल कर दे देगा खुशी में। समझ में आ गया? ठीक है बेटा। अच्छा